माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम टेकिंग रिट्स। साथियों, रिट्स क्या है, इसके बारे में, रिट्स की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये रिट्स जो हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर आती हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में के लिए है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है, यानी दोनों आर्टिकल अलग अलग कोर्ट के लिए हैं। मीनिंग ऑफ रिट्स, वाटसन डिफाइंस रिट्स एज प्रोसेस इश्यूड अपॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन्स ऑन प्रॉपर कॉज शोन। लॉर्ड हल्सबरी कॉल्स द रिट्स एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमिडीज विच आर इश्यूड अपॉन कॉज शोन इन केसेस वेयर द ऑर्डिनरी लीगल रेमिडीज आर इनएप्लीकेबल और इनएडिक्वेट। अकॉर्डिंग टू हिदायतुल्ला, द वर्ड रिट हैज बीन यूज इन द सेंस ऑफ ए रिटन डॉक्यूमेंट अंडर द सील ऑफ कोर्ट इश्यूड टू ए पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट केसेस कमांडिंग देम और एनी ऑफ देम टू डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। रिट इन जनरल ए कमांड, ए रिटन कमांड, प्रीसेप्ट और फॉर्मल ऑर्डर इश्यूड बाई ए कोर्ट डायरेक्टिंग और एंजॉइनिंग द पर्सन्स टू हुम इट इज एड्रेस्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट स्पेसिफाइड देयर इन। माई डियर फ्रेंड्स, रिट्स का मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले वाटसन ने बताया क्या है। प्रोसेस इश्यूड अपॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन्स ऑन प्रॉपर कॉज शोन, यानी किसी विशेष कारणों के अंदर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओकेजन्स, यानी किसी विशेष ओकेजन पर और किसी विशेष कारण के लिए रिट्स जो है वो यूज की जाती है। लॉर्ड हल्सबरी ने क्या बताया, द रिट्स एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज विच आर इश्यूड अपॉन कॉज शोन इन केसेस वेयर द ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज आर इनएप्लीकेबल और इनएडिक्वेट। यानी लॉर्ड हल्सबरी ने क्या बताया कि लीगल रेमेडीज, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज जब इनएप्लीकेबल और इनएडिक्वेट होती हैं, तभी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज जिनको रिट्स बोलते हैं, वो प्रॉपर कॉज शोन के बाद इशू यूज की जा सकती हैं। द कोर्ट इश्यू टू ए पर्सन, द वर्ड रिट हैज बीन यूज इन द सेंस ऑफ ए रिटन डॉक्यूमेंट अंडर द सील ऑफ कोर्ट इश्यू टू ए पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट केसेस कमांडिंग देम और एनी ऑफ देम टू डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। साथियों, हिदायतुल्ला ने क्या कहा है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति, अथॉरिटी और गवर्नमेंट को इशू किया जाता है कि किसी कार्य को करें या उसको ना करने के लिए उसके अंदर ऑर्डर होता है। जनरल क्या है रिट की डेफिनेशन, ए रिटन कमांड, प्रीसेप्ट और फॉर्मल ऑर्डर इश्यूड बाई ए कोर्ट डायरेक्टिंग और एंजॉइनिंग द पर्सन और पर्सन्स टू होम इट इज एड्रेस्ड टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट स्पेसिफाइड देयर इन। ये एक जो है इस प्रकार की कमांड होती है जो किसी व्यक्ति और अधिक व्यक्तियों के लिए डायरेक्ट की जाती है, उनको ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए ये ऐसा क्यों हुआ, या उनको रोकने के लिए ऐसा न करने के लिए। साथियों, ये था रिट की डेफिनेशन।
रिट की डेफिनेशन वाटसन ने भी जो बताई, लॉर्ड हल्सबरी ने बताई, हिदायत उल्ला ने जो बताई, और जनरल भी इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब सबका वही है कि रिट्स जो हैं लोकल स्टडी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये एक व्यक्ति भी रिट्स डाल सकता है और अधिक व्यक्ति भी रिट्स डाल सकते हैं। ये एक व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकती है और अधिक व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकती है। और रिट्स दो आर्टिकल के अंडर आती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जाती है और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में रिट डाली जाती है। साथियों, पहले लोकस स्टैंडी थी, लोकल स्टैंडी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म जो है रिट्स बनी, और रिट्स जो है बहुत ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया जो बहुत ही जल्दी एक्शन और एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए रिट्स जानी जाती हैं। ये था साथियों रिट के बारे में। तो रिट्स जो हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो इन द एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।